सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल द मैथ्स वर्ल्ड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिवीजन एल्गोरिदम से रिलेटेड है। थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या है? इफ़ डी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर एम एंड एन सच दैट डी इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी, एंड डी इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम ए प्लस एन बी। प्रूफ देखिए कैसे करेंगे हम इसको। ए बी हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम। लेट आर वन आर टू दीज आर सक्सेसिव रिमाइंडर्स, ये सक्सेसिव रिमाइंडर्स हैं, डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हैं। तो ए कैसे लिखेंगे? ए विल बी इक्वल टू क्यू वन बी प्लस आर वन। हेयर आर वन लाइज बिटवीन जीरो एंड बी। सेकेंड स्टेप में हम बी को आर वन से डिवाइड करेंगे, तो बी विल बी इक्वल टू क्यू टू आर वन प्लस आर टू। तो यहां पर आर टू विल लाइज बिटवीन जीरो एंड आर वन। अब हम आर वन को आर टू से डिवाइड करेंगे, तो आर वन विल बी इक्वल टू क्यू थ्री आर टू प्लस आर थ्री। ऐसे ही हम करते जाएंगे, हमारे पास आर एन माइनस टू किसके इक्वल आएगा? क्यू एन आर एन माइनस वन प्लस आर एन। आर एन लाइज बिटवीन जीरो एंड आर एन माइनस वन। ऐसे नेक्स्ट स्टेप में अगर देखेंगे तो आर एन माइनस वन विल बी इक्वल टू क्यू एन प्लस वन आर एन प्लस आर एन प्लस वन। आर एन प्लस वन लाइज बिटवीन जीरो एंड आर एन। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे पास, आर वन जो है वो आर टू से बड़ा है, आर वन आर टू से बड़ा है, आर टू आर थ्री से बड़ा है। तो दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, डिक्रीजिंग इंटीजर्स। तो एक फाइनाइट स्टेप के बाद में ये जो सीक्वेंस बन रही है दिस विल टर्मिनेट। एक फाइनाइट स्टेप के बाद में यहां पर जो रिमाइंडर होगा वो जीरो बन जाएगा। तो वो फाइनाइट स्टेप हम यही ले लेते हैं, लेट आर एन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हैं यहां पर ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है, तो टर्मिनेट हो रही है। हमने आर एन प्लस वन को जीरो के इक्वल कंसिडर किया। अब ये जीरो हुआ तो आर एन माइनस वन किसके इक्वल आ गया हमारे पास? क्यू एन प्लस वन आर एन। तो इसका मतलब आर एन डिवाइड्स आर एन माइनस वन। आर एन माइनस वन को डिवाइड करता है। अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ए के इक्वल आता है। तो वही इसमें हम बता सकते हैं, आर एन माइनस वन को डिवाइड करता है तो आर एन माइनस वन और आर एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर हमारे पास आएगा आर एन के इक्वल। अब ये आर एन के इक्वल आया हमारे पास, एक थ्योरम थी हमारे पास कि अगर ए बी को डिवाइड करता है, और हम ये कह सकते हैं मान लीजिए ए इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, तब ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर बी आर के ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर के इक्वल होता है। तो इस थ्योरम का यूज हम करेंगे यहां पर। यूज कैसे करेंगे देखिए, यहां पर आर एन माइनस वन और आर एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर आर एन आया है, इसलिए इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इन दोनों के ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर के इक्वल आएगा। हम ये कह सकते हैं यहां पर आर एन माइनस टू आर एन माइनस वन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर आर एन माइनस वन आर एन के इक्वल आएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो थ्योरम है, हम इन सभी में यूज करेंगे, तो अल्टीमेटली ये निकल के आएगा हमारे पास ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जो है वो बी आर वन आर वन आर टू, इस तरीके से ये आएगा अपने पास आर एन माइनस वन आर एन इज इक्वल टू आर एन। तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर हमारे पास आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है भी डी कैन बी रिटन एज एम ए प्लस एन बी। तो पहले हम आर वन देखते हैं, आर वन कैसे लिख सकते हैं हम। आर वन कैन बी रिटन एज, इस यहां से देखिए आर वन इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास ए माइनस क्यू वन बी।
आर वन को हमने क्या लिखना है यहां से, ए माइनस क्यू वन बी, यानी क्या लिख सकते हैं हम, एम वन ए प्लस एन वन बी, वेयर एम वन इज इक्वल टू वन, एन वन इज इक्वल टू माइनस क्यू वन। आर टू लिखेंगे, आर टू किसके इक्वल आएगा, आर टू इज इक्वल टू बी माइनस क्यू टू आर वन। यहां से हमने आर टू की वैल्यू निकाली, बी माइनस क्यू टू आर वन। आर वन हमारे पास क्या है, b माइनस क्यू टू, आर वन की वैल्यू है a माइनस क्यू वन बी, यानी माइनस क्यू टू ए प्लस वन प्लस क्यू वन क्यू टू बी। तो इसको हम लिख लेते हैं m टू a प्लस एन टू ए, यानी r2 को हम कैसे लिख सकते हैं, m टू a प्लस एन टू ए। ऐसे ही R3 को हम ये लिख सकते हैं, R3 also can be written as, यहां पर आप देख लीजिए M2 किसके बराबर है, माइनस क्यू टू के इक्वल, N2 किसके इक्वल है, 1 प्लस क्यू वन क्यू टू के इक्वल। तो R3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, M3A प्लस N3 B, और यहां पर B आएगा, ये बना। तो ऐसे करते हुए हम लास्ट में आर एन को लिख सकते हैं, आर एन इज इक्वल टू एम एन ए प्लस एन एन बी। हमें ये दिखाना है भी, डी इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी। डी क्या है, डी इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ ए बी। अब ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या आया हमारे पास, आर एन, लेकिन आर एन को क्या लिखा है, ये लिखा है एम एन ए प्लस एन एन बी, दिस इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी। तो डी हमारे पास ये निकल कर आया, ये इसमें प्रूव करना था हमें, डी कैन बी रिटन एज एम ए प्लस एन बी। एम और एन क्या है, इंटीजर्स है, आप देख लीजिए, एम वन हमारे पास वन है, एन वन माइनस क्यू वन इंटीजर है, एम टू हमारे पास माइनस क्यू टू है, एन टू वन प्लस क्यू वन क्यू टू, दीज आर इंटीजर्स। सो डी इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी, ये इसमें हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट इसमें हमें ये भी प्रूव करना है, डी इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम ए प्लस एन बी। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, आप देखिए एम ए प्लस एन बी, डी को हमने ये लिखा एम ए प्लस एन बी, यहां पर एम और एन इंटीजर है, ए बी फिक्स दिए हुए, अगर हम एम और एन की वैल्यू चेंज करेंगे तो एम ए प्लस एन बी ये चेंज होगा। एम एन आप चेंज करते जाइए, आप एक बार डी को छोड़ दीजिए, एम और एन को चेंज करके आप अलग अलग वैल्यूज रख करके इसकी वैल्यू निकालते रहिए। जब हम वैल्यू निकालेंगे बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, उनमें जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी वो डी की वैल्यू होगी, ये हमें प्रूव करना है। यानी एम ए प्लस एन बी इज द लीस्ट पॉजिटिव, डी इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एम ए प्लस एन बी। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए क्या है हमारे पास, डी इज इक्वल टू ए बी, इसका मतलब क्या है कि डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। अब डी ए को डिवाइड करता है, डी बी को डिवाइड करता है, तो नो डाउट डी विल डिवाइड एक्स ए प्लस वाई बी, डी डिवाइड करेगा एक्स ए प्लस वाई बी। लेकिन ये डी क्या है हमारे पास, एम ए प्लस एन बी, तो एम ए इसका मतलब डी अगर एक्स ए प्लस वाई बी को डिवाइड करता है, अगर ये पॉजिटिव है डी तो पॉजिटिव होता ही है, अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, देन डी विल बी लेस देन और इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी। अगर ये दोनों पॉजिटिव है, डी तो पॉजिटिव है ही, एक्स ए प्लस वाई बी अगर पॉजिटिव है, तो डी विल बी लेस देन और इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी। मीनिंग क्या है इसका, कि एम ए प्लस एन बी इज लेस देन और इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी। तो एम ए प्लस एन बी इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स ए प्लस वाई बी, ये लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इसलिए इस थ्योरम में हमें ये प्रूव करना था, डी इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी। लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है भी, अगर
डी ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है, तब डी कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, डी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है एम ए प्लस एन बी, तो ये जरूरी नहीं है कि डी ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर होगा, ऐसा नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम 14 को लिखते हैं 21x + 7y, लिखा जा सकता है 14 21x + y। आप x को 1 ले लीजिए, y को -1 ले लीजिए, तो 14 कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ 21x + 7y लिखा जा सकता है। बट इट डजेंट मीन दैट ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ 21 and 7 is 14। ये यहाँ पर ये तो नहीं है ना, 21 और 7 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है वो 14 के इक्वल है, नहीं है, तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, कन्वर्स इस थ्योरम का ट्रू नहीं है। अभी एक कोरोलरीज देखते हैं हम इसकी। कई बार ऐसे भी होता है ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 के इक्वल आ जाता है, ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 के इक्वल आ गया, देन इस थ्योरम का यूज करके हम ये कह सकते हैं 1 = ma + nb, तो 1 भी ma प्लस एन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट थ्योरम, इसी की कॉरलरी हम कह सकते हैं। देखो 14 अगर 21x + 7y की फॉर्म में लिखा गया, देन 21 और 7 का जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर का 14 के इक्वल होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ma प्लस nb 1 के इक्वल है, ma प्लस nb अगर 1 के इक्वल है, देन ab, सिर्फ ये 1 के लिए नियम लागू होता है, ab का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 के इक्वल होगा, ma प्लस nb इज इक्वल टू 1 अगर है तब ab का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 के इक्वल आएगा। हमें ये प्रूव करना है भी ab का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 के इक्वल होगा, ये हमें गिवन है। चलो हमें पता नहीं है, हम मान लेते भी ab का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर d के इक्वल है, देन d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b, ऑल्सो d डिवाइड्स ma प्लस nb, दैट मीन्स डी डिवाइड्स 1, क्योंकि एम ए प्लस एन बी तो 1 के इक्वल है। अब d भी पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव नंबर 1 को डिवाइड करता है तो वो पॉसिबिलिटी बनती है भी d 1 के इक्वल होगा, तभी संभव है d 1 को डिवाइड करे, इसका मतलब d विल बी इक्वल टू 1, दैट मीन्स ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 के इक्वल होगा। तो सिर्फ ये बाकी नंबर्स के लिए ट्रू नहीं है, लेकिन 1 के लिए, अगर 1 एम ए प्लस एन बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तब ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट थ्योरम, गॉस थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है, इफ ए डिवाइड्स बी सी एंड ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 के इक्वल है, हमें प्रूव करने भी ए सी को डिवाइड करेगा, ए बी सी को डिवाइड करता है, ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 के इक्वल है, हमें प्रूव करना है ए सी को डिवाइड करता है। सिंस प्रूफ देखिए, ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 के इक्वल है, देन देर एग्जिस्ट इंटीजर्स m एंड n such that m a प्लस एन बी इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल आएगा। इसको हम c से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा m a c प्लस एन बी सी इज इक्वल टू c, हमने इसको c से मल्टीप्लाई किया। नाउ a b c को डिवाइड करता है, देन b c कैन बी रिटन एज a d फॉर सम इंटीजर d, तो इस इक्वेशन में हम बी सी की जगह ए डी लिखते हैं, एम ए सी प्लस एन ए डी इज इक्वल टू सी, तो सी को हमने कैसे लिखा, सी इज इक्वल टू, यहां से ए कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन लिया हमने, एम सी प्लस एन डी, सी इज इक्वल टू ए इंटू एम सी प्लस एन डी, दैट मीन्स ए डिवाइड्स सी, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए सी को डिवाइड करेगा, तो ये गॉस थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास इसी से रिलेटेड, गॉस थ्योरम से रिलेटेड ही है, इफ ए बी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 के इक्वल, सी ए को डिवाइड करता है, हमें प्रूव करना है सी और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी 1 के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है इसका, देखिए ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 के इक्वल है, तो 1 कैन बी रिटन एज एम ए प्लस एन बी, 1 को ऐसे लिखो, सी ए को डिवाइड करते हैं, देन ए इज इक्वल टू सी डी, ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सी डी, बस इतना काम आपको करना है। अब 1 इज इक्वल टू एम ए प्लस ए किस गए आप लिख लें, यहां पर
सी डी प्लस एन बी। तो एम डी इंटू सी प्लस एन इंटू बी इज इक्वल टू वन, इसको हमने ये लिखा। और हमने उसकी कॉर्नर में किया था, हमने जो पीछे थ्योरम की थी, हमने कहा था भी अगर एम ए प्लस एन बी वन के इक्वल है देन नो डाउट ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर वन के इक्वल होगा। तो यहाँ पर सी और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर वन के इक्वल है, दैट इज बी सी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर वन के इक्वल आएगा। ये इसमें प्रूव करना। नेक्स्ट थ्योरम स्टेटमेंट देखिए, ए एम एन आर नॉन जीरो इंटीजर्स देन ए एम एन GCD of AMN is equal to 1 if and only if GCD of AM is equal to 1, GCD of AN is equal to 1। प्रूफ देखिए इसका, हम पहले ये मान के चलते हैं भी A और MN का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 के इक्वल है। तो 1 कैसे लिखा जा सकता है, 1 कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस एम एन वाई, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। वहां पर MN AM प्लस एम ए प्लस एन बी हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले एम एन इसमें लिखा हुआ है, एम एन की जगह हमने एक्स वाई यूज किया है। तो वन कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस एम इंटू एन वाई। वन को कैसे लिखा हमने, ए एक्स प्लस एम एन वाई। तो यहां पर ए और एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या आएगा, वन आएगा, क्योंकि यहां पर ए इंटू समथिंग एम इंटू समथिंग इज इक्वल टू वन। तो ए एम एन ए और एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर वन के इक्वल आएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी वन के इक्वल होगा। तो ये अगर ए और एम एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर वन के इक्वल है देन ए एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी वन के इक्वल, ए एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी वन के इक्वल। अब इसका कन्वर्स देखेंगे। कन्वर्स में गिवन क्या है कि अगर ए एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 के इक्वल, ए एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 के इक्वल, हमें प्रूव ये करना है। तो ए एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 के इक्वल है ए पी प्लस एम क्यू इज इक्वल टू 1, और यहां पर ए एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 के इक्वल है तब ए आर प्लस एन एस इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स ए इंटू आर प्लस एन इंटू एस इंटू वन इज इक्वल टू वन। तो ए इंटू आर प्लस एन इंटू एस, वन किस गए ये यूज कर लेते हैं, ये एन इंटू एस इंटू वन से कोई फर्क नहीं पड़ा, वन किस गए अपन लिखेंगे ए पी प्लस एम क्यू इज इक्वल टू वन। तो ए इंटू आर प्लस एन एस यानी इनकी मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ए एन एस पी ए इंटू एन एस पी प्लस एम एन एस क्यू इज इक्वल टू वन। तो एक कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से कॉमन लिया तो आर प्लस एन एस पी प्लस एम एन इंटू एस क्यू इज इक्वल टू वन। ए इंटू समथिंग प्लस एम एन इंटू समथिंग इज इक्वल टू वन, देन ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ ए एंड एम एन इज इक्वल टू वन, ए और एम एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर वन के इक्वल आएगा। नेक्स्ट थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि अगर ए सी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है और ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर वन के इक्वल है तब ए बी सी को डिवाइड करेगा, ये हमें प्रूव करना है। ए सी को डिवाइड करता है तो सी कैसे लिखा जा सकता है, ए डी डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। बी सी को डिवाइड करता है तब सी लिखा जा सकता है B इंटू एफ, ये इंटीजर है D यहां पर F यहां पर। ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 के इक्वल है तब एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 1, ये सारे इंटीजर एम एन डी एफ यहां पर इंटीजर्स की बात हो रही है। तो हम C से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, C से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा एम ए सी प्लस एन बी सी इज इक्वल टू सी। एम ए इस सी की जगह आप लिख लेते हैं बी एफ प्लस एन इस बी की जगह नहीं इस सी की जगह आप लिख लेते हैं ए डी। तो एन बी ए डी इज इक्वल टू सी, ए बी कॉमन ले लेते हैं, ए बी हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एम एफ प्लस एन डी इज इक्वल टू सी।
इसका मतलब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट प्रूव हो गया भी ए बी डिवाइड्स सी, ए बी सी को डिवाइड करेगा क्योंकि सी इज मल्टीपल ऑफ ए बी। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इफ ए बी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी, हमें प्रूव कर रहे हैं ए बाई डी और बी बाई डी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर होगा वो वन के इक्वल होगा। हमें ये दिया हुआ है कि ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर डी के इक्वल है, हमें इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर वन के इक्वल प्रूव कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं भी ए बाई डी और बी बाई डी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्यू के इक्वल है। इसका मतलब क्यू डिवाइड्स ए बाई डी एंड क्यू डिवाइड्स बी बाई डी, दैट मीन्स ए जो क्यू है वो ए बाई डी को डिवाइड करता है, तो क्यू डी ए को डिवाइड करेगा एंड क्यू डी बी को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्यू डी इज ए कॉमन डिविजर ऑफ ए एंड बी, क्यू डी कॉमन डिविजर हुआ ए और बी का, लेकिन ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर डी के इक्वल है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें ऐसा कोई दूसरा कॉमन डिविजर मिल जाता है ए और बी का, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर को डिवाइड करेगा, हम क्या कह सकते हैं क्यू डी डिवाइड्स डी, दैट इज क्यू डिवाइड्स वन, क्यू वन को डिवाइड करेगा, क्यू वन को डिवाइड करेगा। ये कैसे संभव है जब क्यू की वैल्यू वन के इक्वल होगी, इसलिए ये a बाई डी और b बाई डी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर किसके इक्वल आया, वन के इक्वल। तो ये इसमें हमें प्रूव करना था।